जय माता दी। मित्रों मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह आपके नौकरी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही किसी प्रकार की शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही थी, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस माह थोड़ा क्रोध आपको अधिक आएगा, गुस्से आवेश काफ़ी अधिक रहेगा, जिस पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। साथ ही जल्दबाजी से बचना है और जिद करने से भी आपको इस समय बचना है। विशेष तौर पे इस माह आपको अपनी संगति का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिए, आपको यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप फॉरेन वगैरह लोगों से जुड़ते हैं तो आपको लाभ रहेगा, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के भी योग यहाँ पर बनते दिखते हैं। जॉब के केस में अगर आप इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो ये माह आपके लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू वगैरह में इसमें सब में आपको सफलता और फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि मुख संबंधित बड़ी परेशानी आपको दिक्कत कर सकती हैं, आँखों से संबंधित परेशानी भी और साथ साथ पेट संबंधित परेशानी भी आपको दिक्कत करेगी। साथ ही पेट से संबंधित परेशानी में आपको विशेष ध्यान, जो गर्भवती महिला हैं उनको सावधान इस समय में रहना है, खासकर 17 अगस्त तक ध्यान रखना है। लेकिन मुख संबंधित परेशानी वगैरह का आपको थोड़ा लंबे समय के लिए परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही इस माह कहीं ना कहीं आपके गुस्से के कारण आपको आपका पार्टनर से रिलेटेड भी आपको परेशानी बन सकती है, मतलब कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े संबंधों में मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न होना, ये स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही इस माह कोई गुप्त रहस्य, किसी तरीके का गुप्त संबंध आपके चित्त में, मतलब कहीं ना कहीं विचार ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगी। और एक बात का ध्यान रखना, किसी तरीके का कोई रहस्य बाहर आ सकते हैं, कोई वीडियो लीक हो सकती है, और ये खासकर 7 अगस्त के बाद होगा। और ये संभावना ये रहेगी किसी स्त्री के कारण भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो विशेष तौर पर सावधान रहिएगा। और खासकर ये 7 अगस्त के बाद और कई ये 30-40 दिन आपके ऐसे रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान आपको आगे के समय में भी रखना इस विषय को लेकर पड़ेगा। पारिवारिक रूप से विवाद जो चल रहा है वो आपके कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना हुआ है, तो वो उसमें भी अभी वृद्धि ही रहेगी, उसमें परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। और साथ ही परिवार में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कहीं ना कहीं कि परिवार का कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जा सकता है, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर आपको किसी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ये माह लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए मतलब आपको मिल सकता है, आसानी से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इस विषय के इससे संबंधित भी आपको ये फ़ायदा देने वाला रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।